नमस्कार, हिंदुस्तानी एकेएम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिंदा तिलिस्मा के बारे में। ये जिंदा तिलिस्मा दवाखाना जिंदा तिलिस्मा का प्रोडक्ट है। इसमें आपको दो साइज़ मिलती है। ये 15 ml का है, जिसकी MRP आपको मिलती है 130 रुपये की। तो आप देख सकते हो इसकी जो MRP है वो आपको यहाँ पे 130 रुपये मिलती है। जो छोटा साइज़ आता है वो आता है 5 ml की साइज़ में, जिसकी MRP आपको मिलती है 60 रुपये की। तो ये 60 ml आपको यहाँ पे छोटा साइज़ मिल जाता है। और ये दवाखाना जिंदा तिलिस्मा का एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती। और ये जो प्रोडक्ट है, जो तेल है, ये काफ़ी सारे मर्ज में काम आता है, बहुत सारी परेशानी में काम आता है। इसको आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों काम में ले सकते हो, पी भी सकते हो, लगा भी सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक अंदर पेपर मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा आपको यहाँ पे अंदर पेपर मिल जाता है। और इस पेपर में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज में मिल जाता है, मराठी में आपको मिल जाता है, हिंदी में मिल जाता है, उर्दू में मिल जाता है, और जो तेलुगु लैंग्वेज है उसमें मिल जाता है। तो काफ़ी सारे आपको लैंग्वेज में मिल जाता है कि किस किस परेशानी में काम आता है और इसका उपयोग आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो सारी डिटेल्स पर्चे में आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिंदा तिलिस्मा किस किस प्रकार की समस्याओं में काम आता है। तो जिंदा तिलिस्मा काफ़ी सारी परेशानी में काम आता है। जो पर्चे पर नहीं भी लिखी हुई है परेशानी, उनमें भी लोग इसको काम में लेते हैं। तो जो जिंदा तिलिस्मा है वो सर्दी, जुकाम, खांसी, गले के दर्द में, पेट के दर्द में, माहवारी में, और उसके अलावा बच्चों के सांस लेने में जो परेशानी होती है उसमें, सर दर्द में, दांतों के दर्द में, कान के दर्द में, बदन के दर्द में, शारीरिक दर्द में, और बहुत सारी परेशानी लेते हैं। कई लोग तो जो इसको जो जिंदा तिलिस्मा इस्तेमाल है, वो बिच्छू के काटने पे, जो जहरीला जानवर होता है उसके काटने पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस जो ये तेल है वो ऐसा बना हुआ है, जो बिच्छू या कोई जहरीला जानवर काट लेता है तो इसके लगाने पर जो उसका जो जहर होता है वो ख़त्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा ये तेल है। और ये जो तेल है वो सभी मर्ज में अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको उपयोग जानने के लिए आपको यहाँ पे अंदर एक पेपर मिल जाता है, जिस पर पेपर पे पढ़ के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर जो जितनी भी परेशानी है सबका अलग अलग इसमें यहाँ पे तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और कई लोग तो ये जो जिंदा तिलिस्मा है वो अलग अलग तरीके के काम में भी लेते हैं, वो खुद के हिसाब से काम में लेते हैं। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि सर दर्द होता है तो सर दर्द में वो क्या करते हैं कि जिंदा तिलिस्मा को पी भी लेते हैं काली चाय में डाल के, और उसको लगा भी लेते हैं, तो उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो जिंदा तिलिस्मा किसी एक प्रकार की समस्या में काम नहीं आता है और काफ़ी सारी समस्याओं में काम आता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जिंदा तिलिस्मा को जो सेवन है वो गर्भवती महिलाएं भी कर सकती है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी जिंदा तिलिस्मा का सेवन कर सकती है, उनको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ का भी वो ध्यान रख सकते हैं। कई लोगों से होता है कि गर्भवती महिलाओं को कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको परेशानी हो सकती है, वो डर रहता है। तो मैं आपको बता दूँ कि गर्भवती महिलाएं भी जिंदा तिलिस्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंदा तिलिस्मा एक तरह से रामबाण एक इलाज है हर मर्ज का, तो ये घर में होना जरूरी है, एक तरह से घर का डॉक्टर है। तो सभी प्रकार की परेशानियों में लगभग ये काम आता है। अगर आपको जिंदा तिलिस्मा चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक लिया हुआ है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स